ऊपर से कितना अच्छा व्यू आता है गार्डन का। बाबू यहाँ से शुरू होती है हमारे सारे आर्ट्स ब्लॉक। आज कॉलेज थोड़ा जल्दी पहुँच गया मैं, नहीं तो रोज़ लेट हो जाता मैं। कितना खाली खाली आज पार्किंग भी। चलो जल्दी कॉलेज से पहुँचा, हिंदी क्लास लगानी होती है ना, सर हमको आने नहीं देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा पहले आया मैं आज कॉलेज। चलो देखता हूँ कॉलेज में आज कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं सबसे पहले पहुँचने की कोशिश करी आज कॉलेज में। चलो देखते कोई कॉलेज में दिखता है नहीं दिखता। बहुत कम स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे तो, आज तक दिख ही नहीं था। क्लास के अंदर आ गया मैं, वो हमारा ऑडिटोरियम है। यहाँ से शुरू होती है हमारे सारे आर्ट्स ब्लॉक। फिलहाल तो कोई क्लास में है ही नहीं लग रहा है, खाली खाली कॉलेज आज तो। चलो देखता हूँ कोई दिखता है दिखता, बिल्कुल सुनसान पड़ी क्लास तो। बस मैं अपनी क्लास में पहुँचने वाला हूँ। तो आज मैं ऊपर देख आता हूँ भाई कैसा माहौल है। हम ऊपर वाली बिल्डिंग में वैसे जाते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं, पर आज चेक कर आता हूँ एक बार। बहुत कम स्टूडेंट दिख रहे हैं आज तो। ताकि मैं ऊपर वाली बिल्डिंग में आ गया साइंस ब्लॉक की तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई स्टूडेंट कितने आते हैं साइंस के। वैसे तो बहुत ठंड नहीं ली, आज मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी है, ठंड थी नहीं इस वजह से। कल सर ने, हिंदी के सर ने कहा था कि भी यहाँ क्लास लगेगी, तो थोड़ा जल्दी आ गया मैं, क्योंकि ना सर सुनते हैं थोड़ा पहले, तो इसलिए पहले जाना पड़ता है। तो आज मैं काफ़ी जल्दी आ गया, 8:33 पे ही आ गया। देखता हूँ कोई स्टूडेंट दिख रहे हैं दिख रहा, कोई स्टूडेंट दूर दूर तक तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कॉमर्स ब्लॉक है, तो कॉमर्स ब्लॉक के अंदर काफ़ी कम स्टूडेंट है ही नहीं, मेरा मतलब स्टूडेंट तो है ही नहीं, तो सर आज पता नहीं क्या करवाएंगे। चलो देखते हैं सर का क्या करवाते हैं। कॉमर्स ब्लॉक में कोई है तो नहीं, पर मुझे एक पेन दिख रहा है। आपको दिख रहा है आपको? चलो कोई नहीं, पेन तो मिल जाएगी मुझे। बोर्ड है पता नहीं कुछ करवाया नहीं करवाया सर ने, बोर्ड में दिख तो नहीं रहा कुछ। चलो बाहर ही चलते हैं, कोई है ही नहीं क्लास में। तो उस तरफ प्रिंसिपल ऑफिस है, तो उस तरफ हम जाएंगे नहीं। ये हमारा टीचिंग ब्लॉक है और मैं अंदर प्रवेश कर गया। तो टीचिंग ब्लॉक के अंदर तो वैसे बहुत ज़्यादा लाइट होनी चाहिए, पर लाइट नहीं है, पढ़ाई की जगह पे भी लाइट नहीं है, कैसा कॉलेज है। चलो देखते हैं, सुबह का वक्त है ना, अभी आए नहीं टीचर्स, तो इस वजह से लाइट नहीं चल रही। चलो थोड़ी रोशनी हुई विंडो की, तो धूप आ रही है आसपास। क्लासों में भी कोई नहीं फिलहाल तो अभी। तो मेरी क्लास तो ऊपर वाली बिल्डिंग में है, हिंदी क्लास, उसी के लिए तो आया मैं पहले। चलो देखता हूँ कोई दिख रहे हैं दिख रहे हैं अपने। सारी बिल्डिंग घूम लिया तो, कॉमर्स ब्लॉक देखा, साइंस ब्लॉक देखा, प्रिंसिपल ऑफिस के पास से भी गुजर के रैंप। तो इस कॉलेज के रैंप पे जाते बड़ा मज़ा आता है जाने में, एक सीढ़ियाँ चढ़ो एक रैंप से जाओ, कितना फ़र्क है। और वो भी सुबह सुबह का टाइम है, मैं फ़िलहाल तो खाना नहीं खा के देखता हूँ ब्रेकफास्ट कहाँ करूँगा मैं। ओह यहाँ तो पैटीज ही मिलती है, कुछ और तो मिलेगा नहीं, चाय मुझे पसंद नहीं है। कैंटीन भी बंद है फिलहाल, 10 बजे खुलेगी या 9 बजे, और अभी तो 9 भी पूरे नहीं बजे हैं। सर पता नहीं कैसे जल्दी उठ के आ जाते हैं हिंदी क्लास लगाने। क्लासेस में बच्चे बैठे तो हैं, फोन चला रहे सारे के सारे। चल देखता हूँ, स्टूडेंट दिख ही नहीं रहे कोई मेरे को, मेरी क्लास तो दिख गई पर इसमें कोई बैठा नहीं, भी सर भी नहीं आए अभी तक। 314 नंबर मेरा रूम है क्लास का, हिंदी क्लास लगती मेरी वहाँ पे। ये यहाँ पैंट हो गया इस बिल्डिंग का। चलो उस विंडो से बाहर देख लेते क्या दिख रहा है। स्पेशल तो नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं वापस चलते हैं। इस क्लास में तो वैसे ही शांति बहुत है,
ओह दिख गया आपको हमारी क्लास कैसी है, वो डेस्क दिख रहा होगा आपको। कुछ पढ़ाई करनी है तो बता दो, मैं पढ़ा देता हूँ, मेरे को टीचिंग भी अच्छी आती है। आज तो सही में मॉर्निंग अच्छी लग रही है। आज मैं सुबह नहाया भी ना, गर्म पानी नहीं किया तो ठंडे से ही नहा लिया फिलहाल मैं। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि बच्चा गर्म से नहाऊंगा, बट ठंडे से ही नहा लिया, कि भाई ठंडे से नहाना चाहिए मम्मी कहती है। आप भी ठंडे से नहाया करो, गर्म पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं, फिर मैं डैंड्रफ हो जाती है। सर ने कुछ याद कर निकल दिया था तो मैं याद कर लेता हूँ हिंदी का। कहाँ बैठूँ, रूम नंबर देखता हूँ सही से। तो मैं अपनी क्लास में बैठ चुका हूँ, बट मुझे पढ़ाई करनी है अभी। सुन सकते हैं कुछ भी, और मैंने तभी बुक निकाल ली है, चलो इसको पढ़ना भी है कि चैप्टर है पूरा समझेंगे सर। और पता नहीं सर ने तो दो दिन में पूरा चैप्टर करवा दिया, देखते कैसे होता है, पर करेंगे। मैं तो पढ़ने वाला था पर फ़ोन आया भी, पर भी इनका नीचे जाना पड़ेगा मुझे एक बार से मिलने। चलो चलता हूँ मैं। तो आज हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम है ऑडिटोरियम में, तो हम उसके लिए काम पे लगा रखे हैं। तो फाइनली मैं अपने घर आ चुका हूँ, और आज कॉलेज में काफ़ी मज़ा आया। हमने ऑडिटोरियम में मतलब हमारी ड्यूटी लगाई गई थी इंग्लिश ऑनर्स वालों की, तो सर ने हमें कहा था कि भाई आपको ये काम संभालना है, किसी को कोई काम दिया था। तो हमें मतलब आज पूरे दिन में काफ़ी मज़ा आया, और इतना इन्जॉयमेंट शायद कभी हुआ हो।